बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन अब इसने थ्री वैल्यूज दी हुई हैं। इनके थ्री क्वेश्चंस हैं इस पार्ट, इसके थ्री पार्ट्स हैं, तो हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके अंदर ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू माइनस 5 है और सी की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 5/4, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ये माइनस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गई, तो 5/4। अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास है 6 और ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये आ गया 6/4। अब ये टू से क्रॉस हो गया, 2 2 4, 2 3 6, तो अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2। एक चीज और हमें इसके अंदर देखनी होगी, वो भी देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का हम स्क्वायर होल का स्क्वायर लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी ये ए प्लस बी वाला फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर को खोलें तो इसी तरह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ये वाला 2 अल्फा बीटा दूसरी साइड पे लेके आते हैं, तो उधर प्लस में है, लेफ्ट साइड पे आके ये माइनस में हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा। तो ये किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये बताया था। तो अब पार्ट फर्स्ट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर हम इसको इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो वो आएगा इन दोनों का एलसीएम अल्फा और बीटा ही आएगा, इसको डिवाइड किया अल्फा के साथ आंसर आया बीटा, तो बीटा ऊपर आ गया प्लस बीटा से इसको डिवाइड किया तो आंसर आया अल्फा, अल्फा यहाँ पे आया। अब ये अल्फा प्लस बीटा इसको अरेंज कर दें ओवर अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा हमारे पास 3/2 है। तो ये ऑलरेडी इसको ये साइन एक्चुअली किसका होता है, जिसको हम ओवर बोलते हैं या उर्दू में इसको बोले तो बटा, तो ये डिवीजन है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 5/4, तो डिवीजन में है 3/2। तो अब अगर हम डिवीजन को चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन से, तो डिवीजन के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो उलट जाती है, तो ऐसे हो गया। अब 2 1 2 2 2 4, तो आंसर आया 5/4, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 5/2 3 6,
5/6। तो पार्ट फर्स्ट का ये आंसर है आपका। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये किसके बराबर है, इसको हम रखते हैं अल्फा एंड बीटा यहाँ पे अलग अलग इनका स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने इकट्ठा कर दिया है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अल्फा और बीटा हमारे पास 3/2 है इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 9/4। तो आपका पार्ट सेकंड जो है वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। 1/(α²β) प्लस 1/(α²β² थर्ड पार्ट में हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम इन दोनों का लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हमने इसके साथ डिवाइड किया तो आंसर आया बीटा, प्लस इसके साथ डिवाइड किया तो आंसर आया अल्फा। अब इसको अरेंज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा और बीटा, यहाँ पे हमने इनका इकट्ठा स्क्वायर कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5/4 है और ये है 3/2 होल स्क्वायर। तो 1/(α²) बीटा प्लस 1/(α)β का है, तो 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2, तो इसका स्क्वायर है। तो 5/4 पहले इसका स्क्वायर बोलते हैं 9/4, तो 5/4 मल्टीप्लाई बाय इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस किया, तो डिवीजन के बाद जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, चेंज होने से मतलब उलट जाएगी, तो ये 4/9 आ गया, तो 4 से 4 क्रॉस हो गया, तो आंसर आया 5/9। तो 1/(α²β) प्लस 1/(α²β² तो ये इसने हमसे रिक्वायर किया था कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हमने वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो पार्ट 3 भी इसका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो अब यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो ये अल्फा बीटा आ गया एलसीएम। अल्फा बीटा को हमने बीटा से डिवाइड किया तो आंसर आया अल्फा, अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फा क्यूब, प्लस अल्फा बीटा को हमने डिवाइड किया अल्फा से तो आंसर आया बीटा, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बीटा क्यूब आ गया। अब इसके अंदर हमें एक और फार्मूला नजर आ रहा है, फार्मूला कौन सा स्टैंड कर रहा है, वो है ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो इसी तरह अब हमने इसकी जगह पे इसकी ये वैल्यूज रखनी है, तो वो है फर्स्ट टर्म अल्फा प्लस बीटा इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म ओवर अल्फा। हम देखें
अल्फा प्लस बीटा इनटू, अब ये वाला पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो किसके बराबर है, इतना पार्ट लेते हैं हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो ये इतना था और माइनस अल्फा बीटा वैसे साथ आ गया ओवर अल्फा बीटा। अब ऊपर से रेस करके इसको बाकी ऊपर करते हैं, ये दो वैल्यू हमें चाहिए, इसको हम साइड पे लिखते हैं बाकी साफ कर देते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इनटू, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा और बीटा, माइनस टू अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, तो ये टोटल हो गया माइनस थ्री अल्फा बीटा, तो यहाँ पे हमने वो लिख लिया ओवर अल्फा इनटू बीटा। तो अब इन सब की वैल्यूज को इनकी जगह पे ऐड करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है फाइव ओवर फोर। अब यहाँ पे भी ये अल्फा बीटा ही है, तो ये फाइव ओवर फोर होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू अल्फा, और बीटा हमारे पास है 3 ओवर 2 ओवर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 ओवर 2। अब इसको 5 ओवर 4 इनटू 25 ओवर 16, इसका स्क्वायर हमने खोल दिया माइनस 3 3s आर 9 ओवर 2 डिवाइडेड बाय, अब ये जो नीचे है ये डिवीजन में है, तो इसको यहाँ पे 3 ओवर 2 कर देते हैं, फाइव ओवर फोर, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो वो 16 ही आया, तो 25 माइनस 16 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 8, 8 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 8 9 आर 72 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3। अब 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 72 है हमारे पास नेगेटिव में और 25 हमारे पास प्लस में है, तो माइनस 47 माइनस 47 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3, 2 1s are 2, 2 8s are 16। अब मजीद कोई क्रॉस होता नहीं है, तो ऊपर वालों को ऊपर जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वालों को नीचे, तो माइनस 47 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7s are 35 माइनस के, तो फोर नीचे जा गया। अब इनको मल्टीप्लाई किया ऊपर वालों को ऊपर, तो ये आया माइनस 235
नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया, 5 3 12, 12 8 96, तो ये है आपका आंसर। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।